अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़े का शरबत। ये देखिए कितना बेहतरीन ये बन के तैयार होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कितना बेहतरीन ये बनता है। इस तरीके से आप बनाएं और अपने पूरे घर वालों को पिलाएं। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसे हम कट कर लेंगे काजू बादाम पिस्ते शरबत में शामिल करने के लिए। ये हमने 2 चम्मच सब्जी को लेके इसे हमने भिगो दिया है। 10 से 15 मिनट में ही ये फूल के तैयार हो जाता है। ये देखिए हमने अभी डाला है और पानी में ही ये फूकने लगा है। ये हमने साबूदाना लिया है, ये हमने बारीक वाला साबूदाना लिया है। इसके अंदर हम पानी डाल के इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमारे साबूदाने अच्छे से फूल जाए। इसे हमने एक बर्तन में पलट के पकने के लिए रख दिया है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक कि हमें इसे पकाना है। ये देखिए हमारे साबूदाने पक गए हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसे हम छलनी में छान के और अच्छे से वॉश करके इसे एक साइड में रख लेंगे। ये हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम 2 गिलास दूध डाल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच हम रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। इसे हम दूध में अच्छे से मिला लेंगे। 3 चम्मच हम सब्जा शामिल करेंगे। ये हमने साबूदाना जो हमने बॉईल करके और छान के रखा है उसे हम 2 चम्मच शामिल करेंगे। ये हम सीरे को 2 चम्मच हम शामिल कर रहे हैं। सारी चीजों को हम मिला के गिलास में पलट लेंगे। ये हम थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिल्ड हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठंडे होने से इसका जायका और बढ़ जाता है। ये देखिए हमने आइस क्यूब शामिल किया है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए ये हमने काजू बादाम और पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। रूह अफ़ज़े को डाल के इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन ये बना है। ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा 1 चम्मच लेके इसके चारों साइड से रूह अफ़ज़े को डालेंगे, इससे इसका लुक बढ़ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बनाएं और हमें